स्टूडेंट्स आपको कंपोजिशन का बताते हैं थोड़ा सा। कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन में आप नेम आएगा, यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हो आप। ये प्रीसेट्स हैं, यहाँ पे एनटीएससी D1 की रेशियो है 720:486, एनटीएससी DV इसकी रेशियो है 720:480 और फिल्म 2 के ये है 2048 और 1556 और फिल्म 4 के है 4096 और हाइट है 3112 और वेब वीडियो के लिए 320 और 240। एनटीएससी DV वाइड स्क्रीन के लिए 720:480। फिर यहां पे देखिए, यहां पे फ्रेम रेट है, फ्रेम रेट आप 24 रखिए, रिजोल्यूशन सब फुल रखिए और यहां पे टाइमिंग है, यहां पे आप 30 सेकंड रखिए। ये सेकंड का है, मिनट का है, ये आवर्स का है। बैकग्राउंड कलर्स जो आपने चेंज करना आप चेंज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आप फाइल में जाइए, इंपोर्ट मल्टीपल फाइल्स, यहां पे देखिए आप 3 पिक्चर ले लीजिए, इंपोर्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन लेयर पैनल। ये आपकी स्क्रीन से बड़ी है इमेजेस, इन सबको इमेजेस को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म फिट टू कंपोजिशन, आपकी स्क्रीन के अंदर आ जाएंगे। अब आपके पास ये 3 इमेजेस हैं, अगर आपने स्लाइड शो बनाना है तो आप ऐसे कीजिए, अब देखिए कंपोजिशन में, कंपोजिशन कंपोजिशन 1 है इसकी 720:480 और ये 720:480 इसकी भी। कंपोजिशन 1 को आप डिलीट कर दीजिए हमें, क्योंकि इसी कंपोजिशन में वर्क कर रहे हैं। अब आप कंपोजिशन के अंदर कंपोजिशन, प्री कंपोजिशन आप ये ओवरऑल सिलेक्ट कीजिए। अगर आप 1 सिलेक्ट कीजिएंगे करेंगे तो 1 के अंदर जो भी आपने अमेंडमेंट किए हैं, चेंजेस किए हैं आपने, वो सब उसके अंदर आ जाएंगे। बट आप ओवरऑल 3 कंपोजिशन लीजिए, शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक, प्री कंपोजिशन। अब देखिए यहां पे लिखा है मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन, यूज द ऑप्शन टू प्लेस द करंटली सिलेक्टेड लेयर टूगेदर इनटू ए न्यू इंटरमीडिएट कंपोजिशन। ओके कर दीजिए, ये आपकी कंपोजिशन बन गई है और देखिए इसमें ये वो सारी पिक्चर्स से वो इकट्ठे मर्ज हो गई है। कंपोजिशन में प्री कंपोजिशन ये आपकी एक ही उसमें लेयर में टाइमलाइन के ऊपर हो गई है, ये आपकी प्री कंपोजिशन है। थैंक यू।